दुबई गया था, वहां पे जब उनका वो मेला लगता है, एक फेस्टिवल होता है, तो वहां पे खलीज टाइम वाले मुझे ले गए एक शो में, वहां पे चढ़ा था शाहरुख खान का, और वो जो खतून लंबी सी थी जिसका गाना बड़ा पॉपुलर था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे उसका नाम नहीं आता, गोरिया चली बड़ा टॉप का गाना था जो उनका हिट हुआ था, तो उनका ये शो चल रहा था, तो मुझे भी वो खलीज टाइम वाले वहां ले गए कि आप हमारे मेहमान है। तो मेरा छोटा बेटा था जमाल पाशा, वो शाहरुख खान का दीवाना था उस वक्त, तो आज 7-8 साल का होगा, तो शाहरुख खान से मैं बगल गिर हुआ, मैंने उसे कहा कि अपना खान साहब मेरा छोटा बेटा जो जमाल पाशा है वो आपका दीवाना है, तो उन्होंने कहा भाई हमारा पूरा हिंदुस्तान आपका दीवाना है, और उस वक्त पड़ता हमारा 2002 या 2003 की बात है, 93 में शुरू, कहते हैं हमारा पूरा हिंदुस्तान दीवाना है, और उस वक्त हमारी इतनी उनके साथ तस्वीरें बनी है, लेकिन वो खलीज टाइम वालों कहीं भेजी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, यादगार लम्हात थे जी हमारे वो। कुछ कंट्रोवर्शियल भी मामलात रहे हैं जी के जी, मैं भी शायद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रही हूँ, तो ये आपको ऐसा क्यों लगा? वो तो अवाम की मोहब्बत आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम की मोहब्बत से बड़ा कोई भी हमारा अवार्ड नहीं है, लेकिन जब हुकूमत ने एक अवार्ड अनाउंस किया हुआ है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फनकारों के लिए, तो वो क्यों नहीं देते? मुझसे दावे से मैं कह सकता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें मैंने पूरे डिवीजन में, पंजाब के 9 डिवीजन में 44 शो किए हैं, हर स्कूल में जाके आप ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान है क्या, उस पे मैंने पूरा ड्रामा तैयार किया टीम ने, जिसको इतनी पजीराई मिली कि आज भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल में उसका नाम जिंदा है। इसके अलावा डेंगू पे शहबाज शरीफ साहब ने पूरे लाहौर के उन इलाकों में जहां डेंगू अरूज पर था वहां हमसे उन्होंने काम लिया, 20 लाख के करीब बच्चों को हमने अवेयरनेस दिया डेंगू से कैसे आपने बचना है। इसके अलावा कोरोना में हमने ड्रामा करके जगह जगह बजाकर स्ट्रीट थिएटर पे हमने बताया कि कोरोना से आपने किस तरह से दूर रहना है। यूनिसेफ अदारा है बच्चों का एक आलमी अदारा जिसने 2500 पूरे पाकिस्तान में हमसे शो करवाए हैं, उसमें सेहत और सफाई के बारे में, कूड़ा कूड़ेदान में, शहरी इत्मीनान में, आर्सेनिक मिला पानी नहीं पीना, बच्चों को आपने सऊदी अरब में स्टेल नहीं करना जो ऊंटों पे उनको छांटे मारते हैं और दौड़े लगाते हैं, किस किस टॉपिक पे हमने जहाँ पे काम नहीं किया, 2500 स्कूलों में जाके काम किया। मैं कहता हूँ जहाँ पे 12 साल से मैं लाइव स्टेज ड्रामा कर रहा हूँ हमारा लाहौर आर्ट्स काउंसिल में, और 9 साल मेरा टीवी पे चला है, मुझे बताइए कितना काम किसी का है, अगर है तो मेरे साथ उसको ले आइए, और बच्चों के लिए बातें सब करते हैं, कोई नहीं करता, मुझे ये दाव हासिल है कि मैं बच्चों के लिए अब तक ये काम कर रहा हूं, इस वक्त भी मैं काम कर रहा हूं, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मुझे भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया जाए? नाम मेरा जाता है, कोई शक नहीं, अताउल्लाह कासमी साहब हमारे चेयरमैन थे लाहौर आर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने मेरा ड्रामा देखा, मैंने कहा तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं मेंबर हूं उस कमेटी का, आप अपना नाम दें, मेरा 3-4 साल तक मेरा नाम पंजाब गवर्नमेंट भेजती रही है और वहां पर इस्लामाबाद में कि इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया जाए, इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस्लामाबाद के कौन से इतने शहनशाह जनात है जो मेरा नाम वहां पे जाके तो गायब कर देते थे। इसी तरह एक दिन हुआ जिससे जब माविर शहजाद को मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसको मिला 17 इम्तियाज, वो जब उसको मिला है उसी उसमें जो था कागजों में और उसी साल में मेरा भी नाम शामिल था, उसका भी नाम था, मेरा भी नाम था, तो उसमें 14 अगस्त को जब अनाउंस हो गया तो उसमें मुझे एक हफ्ता पहले कह रहे कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है, उसका 17 इम्तियाज था। तो एक साफी ने मुझे टीवी पर सवाल किया कि वो कल की जो बच्ची है 25-21 साल की उसको पाशा साहब मिल गया है तो आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला? वो फिर एक ऐसा इशू बन गया, हालांकि तो कल की बच्ची है, ठीक है मेरे फनकारों को दें आप, मुझे खुशी होती है, तो उसका एक अपना मुकाम है माविर शहजाद का, बड़ी सुपरस्टार है वो, तो आपका जो अच्छा एक ही ड्रामा आपकी पहचान बनता है नहीं कि, तो उसका इसने एक अच्छा काम किया, मुझे उसके नाम के साथ मंसूब कर दिया गया, उसको दे आप जिसको मर्जी दे, लेकिन मेरा हक इथे रख, वो कहेगी साडा हक इथे रख, कम अज कम हुकूमत तस्लीम कर ले और टेस्ट कर दे कि मैंने बच्चों के लिए काम अब तक कर रहा हूँ 40 साल से, मेरी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है आप उठाकर देखिए, अगर किसी ने काम किया है तो आए मुझे मेरा मुकाबला कर दे, मैं विड्रॉ कर जाता हूँ, रोना इस बात का। अच्छा
ये किसी ने कहा था कि ये एनेक्वालॉजी निसाब में भी होना चाहिए? जी, ये हम एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर नासिर बशीर साहब, उनकी फैमिली ने ये ड्रामा देखा था। वो कॉलमिस्ट भी है रोजनामा जंग के, पाकिस्तान के, और काफी अखबार में वो लिखते हैं, राइटर भी हैं। तो जब उनकी फैमिली ने ये ड्रामा देखा तो उन्होंने एक अपने कॉलम में लिखा था कि मैंने ये ड्रामा देखा और इतनी जबरदस्त तफरी है कि हर एक को ये तफरी देख